साथियों ये कुत्ता आप देख रहे हैं बहुत रेस लगा रहा है, बहुत पीछे से भागा चला रहा है। रोड इतने ख़राब हैं, इतनी ख़राब हालत है कि एक छोटा सा कुत्ता भी गाड़ी से आगे निकल गया। देख सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। अरे वाह, ये नागालैंड का कुत्ता है, ये इस सीमा तक किसने छोड़ दिया। नागा कुकुर था। तो देखिए साथियों, कंस्ट्रक्शन का तो काम चल ही रहा है। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं दीमापुर से कोहिमा तक, तो आपको बहुत स्पेंड करना पड़ेगा अपना समय रोड पे ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी बहुत धीमा चल रहा है। इतना वो नहीं है कि इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जब हमने दीमापुर के कुछ लोकल निवासियों से बातचीत की तो पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वही देश में भ्रष्टाचार होने की वजह से विकास के कार्य पे वो पैसा नहीं लग पाता, इसी वजह से ये सब हालत सड़कों की इस तरीके की है। और अभी धूप निकल आई है, बहुत मीठी मीठी सौंधी सौंधी धूप है, बहुत सुहावने वाली धूप है, क्या गजब का ही नज़ारा है साथियों। समय करीब करीब 7:30 बजे का है सुबह का। देखिए पूरा तरीके से पहाड़ों को काटा गया है। अभी ऐसा रहता है कि पहले बहुत सारे पेड़ यहाँ हुआ करते, सबको काट दिया गया है। और अभी लैंडस्लाइड का जो खतरा बना रहता है हर वक्त, और इस स्थिति में वो और खतरा और बढ़ जाएगा। ये सड़कों की आप हालत देख सकते हैं, अगर आप नागालैंड नहीं कभी आ सकते, मैं आपको ये नागालैंड की सड़कों की हालत दिखा रहा हूँ, जो दीमापुर से कोहिमा जो जाता है एक रोड, नेशनल हाईवे है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोड लाइन है जो दीमापुर से कोहिमा तक जोड़ती है, जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। जोड़ती है ये पूरा बुलडोजर वगैरह जीसीबी वगैरह आप देख सकते हैं, सब कुछ विकास कार्य में लगे हुए। हमारे कौशल भाई हमारे साथ हैं, गौतम दा हैं वेस्ट बंगाल से, पंपा देवी हैं, राजा भाई हैं जो सारथी हैं हमारे यहाँ, और एक और हैं हमारे ताऊ जी बैठे हैं, और हमारे भंशु भाई सो रहे हैं इस समय। तो अभी जाके सबसे बातचीत होगी कोहिमा में, और उसके बाद जाना होगा इम्फाल, इम्फाल से आगे मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, उससे आगे मोइरांग हमें जाना है। यहाँ तो बहुत अद्भुत नज़ारा है, कैमरे में कैद कर भी लें तो भी वो आनंद नहीं आता अगर आप इसे आँखों से नहीं देखेंगे, खुद अपने चिति में जब तक, अपने चित्त में जब तक इसे धारण नहीं करेंगे, अपनी स्वर्ण शक्ति में जब तक इसे ना बैठा लें, तब तक मैं समझता हूँ अधूरा सा कुछ लगता है जीवन के। नॉर्थ ईस्ट नहीं घूम रहा है, इस बार ये मौका मिला तो हर तरीके की वीडियो हम बना रहे हैं, जिस प्रकार से जितना हो सके सब बना लें, और आप सब साथियों को यूट्यूब के माध्यम से शेयर करते रहें कि कैसे रोड हैं यहाँ के, कैसा वातावरण है, पहाड़ियाँ कैसी हैं और लोग कैसे हैं, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, घरों का डिज़ाइन क्या है, लोगों का खाना पीना, रहन सहन, बोल चाल की भाषा क्या है, सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। चलिए साथी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर आप ने वीडियो पूरा देख लिया है तो हमारे भारत भ्रमण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम देश भर में घूमते रहते हैं और ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, पूर्व से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो। राज्यों की अगर बात लें तो लगभग हम 7-8 राज्यों को छोड़ करके सब राज्य भारत देश को घूम चुके हैं, और ये वीडियो बनाने का कार्य हमने अभी शुरू किया है, तो समझते हैं कि वीडियो बनाई जाए आप सब साथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, विदा लेता हूँ, धन्यवाद।